और दिल्ली से खबर है जहां समाचार प्लस पर पीड़ित सांसद ने अपना दर्द बयां किया। योगी से दो बार मिला लेकिन उन्होंने डांट कर भगा दिया। जी हां, ये एक सांसद का कहना है कि जबकि उनकी कहीं कोई गलती नहीं है, उनको परेशान किया जा रहा है और मुख्यमंत्री भी उनको सुन नहीं रहे और डांट कर भगा रहे हैं। देश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के एक सांसद को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है रॉबर्ट्सगंज से बीजेपी के सांसद छोटे लाल जी, आइए उनसे बातचीत करते हैं। छोटे लाल जी, मेरे हाथ में जो पत्र है ये आपने प्रधानमंत्री को लिखा है 16 मार्च 2018 को कि मुख्यमंत्री जी ने डांट के भगा दिया, प्रदेश अध्यक्ष जी ने नहीं सुनी, सुनील बंसल जी ने नहीं सुनी, क्या मामला है, क्या शिकायत की आपने? ये तो इधर कम हमने पत्र लिखा है कि जहां जहां हमने गया था अपनी बात कहने के लिए, लेकिन हमने बहुत पहले 8/2/2015 में एक पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा था जिसमें भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए और वह हमारे क्षेत्र संसदीय क्षेत्र में और जनपद चंदौली के नौगढ़ ब्लॉक नौगढ़ रेंज में बड़े पैमाने पर वन भू माफियाओं के द्वारा वहां पर डीएफओ और रेंजर स्टाफ के मिली भगत से भू माफियाओं ने जमीन कब्जा कर रखा है। करीब 500 एकड़ के लगभग जमीन कब्जा कर रखा है और वो लोगों को मिली भगत है। हर साल वो लोग पैसा वसूलते हैं और यह उनको कहते हैं कि आप हर साल मुझे देते रहना, आप जोतते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस संबंध में हमने पत्र लिखा है, सबको लिखा है। मैंने कहा कि सबसे मिला, पत्र लिखित दिया, कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए मैं जो है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में आया और यहां से कार्रवाई हो रही है। जी का बिल्कुल साफ साफ कहना है, उम्मीद है, लेकिन अधिकारियों के बारे में कह रहे हैं कि वो न्याय नहीं मिलने दे रहे हैं। हालांकि राज्य में अपनी सरकार, केंद्र में अपनी सरकार, इसके बावजूद भी अगर कहीं कोई एक्शन लेता हुआ कोई दिखाई दे रहा है तो वो सिर्फ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है जिसके चेयरपर्सन प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया जो कि खुद बीजेपी के सांसद है वो है। बाकी इन्हें अभी भी मुख्यमंत्री कार्यालय से, मुख्यमंत्री से न्याय की उम्मीद है कि वो इस पूरे मामले में इंसाफ करेंगे। नई दिल्ली से केएन धर्मेंद्र के साथ संतोष पाठक, समाचार प्रसार।